जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 10 जून को जनपद में गरीब कल्याण मेला आयोजित करने का शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की व वापस ले जाने की वाहन की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसकी समीक्षा प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्री की टीम समीक्षा के लिए जनपद में आएंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार योजना व प्रदेश सरकार की योजना है, उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कितने बस चाहिए? 60 बस चाहिए। हेलो, ये फायर कॉर्डिनेशन तुम्हारे पास SDM में करनी है कितनी है ना? सबसे कौन सी स्कीम में कितनी है और सेकंड कितने कितने में कंटीजेंसी अमाउंट अभी उपलब्ध है हमारे लिए? SPM, नरेगा, इंदिरा आवास, उनका आंसर नहीं दिया योजना का कुछ भी कर, ये निकाल के अभी फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए। कार्यक्रम में कार्यक्रमों का पेमेंट नहीं होगा या नहीं करेगा, ठीक है? पिछली बार का तो वो फ्री ने रुला दिया था, कितना दिन? 6 महीने रुला दिया पेमेंट करने में, जबकि सब कुछ करा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, तुरंत पेमेंट हो जाना चाहिए। और नीचे क्या बांटेंगे हमको स्वीकृति पत्र, जो पंक्ति प्रभारी बना दीजिए, 3 पंक्तियों पे एक एडियो पंचायत या एक एडियो समाज कल्याण है, जो भी ये लगाना है, जो भी 3 पंक्तियों पे अमरीश से बात करके वो गैलरी बनाइए, किस ब्लॉक का कौन होगा, ब्रह्मपुर का ड्रम लगा दें, और जो भी स्वीकृति पत्र या जो भी है आप देंगे। और अगर आवास के अलावा भी उनको स्वीकृति पत्र लिफाफे में डालेंगे, आप इसकी मीटिंग रोज ले लीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3000 मतलब 3000 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए पार्टी के जो लोग आएंगे उनको हमने बोला है 3000 उनको, 3000 उनको, तो 3000 उनकी, तो अगर हम ज़्यादा अभी बस लगा दोगे तो हो ही जाएगा, फिर वो आप कहाँ रहेंगे, रोड पर रहेंगे, इस धूप में, तो ये तो चिंता है। अगर कम से कम पंडाल में बैठेंगे तो ओके, 3000 लेगा देखेगा तो भरा हुआ। आज 10 तारीख को गरीब कल्याण मेला का आयोजन करने के लिए शासन स्तर से निर्देश मिला है, उसके लिए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक और उनके वापस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, वो विभिन्न योजनाओं में आच्छादन और आच्छादन के पत्रण पारदर्शितापूर्वक उनको वितरण कार्यक्रम, उसके लिए सभी खंड विकास अधिकारी, ADO पंचायतगण, सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया था। माइक्रो प्लान डिटेल में बनाएगा, सुगम व्यवस्था के साथ सभी हमारे लाभार्थियों को लाया जा सके, पारदर्शितापूर्वक उनको शासन की योजनाओं में आच्छादन और वितरण करा जा सके, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे समीक्षा के लिए 10 तारीख को और 11 तारीख को आएगी, उसके लिए हम लोग लगातार अभी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, अवस्थान संबंधित योजना है, उसके संबंध में उनके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। ये अभी लोकेशन तय किया जाएगा।